बताइए वीरेन, कौन सा स्टॉक आपने चुना है टुडे ट्रेड के तौर पर? जी हाँ, कल देखिए, कल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुना था, एक बजा रहा है SBI की। कल की क्लोजिंग देखते हैं, SBI कल हमने ऑलमोस्ट 211 की ट्रेजेक्टरी में बताया था, टुडे ट्रेड में 217 करीब करीब 6 रुपए 3% बढ़ के बंद हुआ। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी कहाँ है? देखिए, आज मैं एक स्टॉक पे आऊँगा, आई थिंक मैं पहली बार जब इसमें ब्रेकआउट आया था मिस कर गया था, लेकिन आज जरूर बताऊँगा आपको। हिमाद्री केमिकल्स कल 30.45 पे क्लोज हुआ काउंटर, 1.25 रुपए की बढ़त थी हार्डली ग्राम, लेकिन 4% ऊपर। लेकिन कल की तेजी के साथ इसने एक आने वाली बड़ी तेजी के संकेत दिए हैं। देखिए, एक ब्रेकआउट आया था इस पर 22 पे, उसके बाद ऑलमोस्ट 30 हो गया, लेकिन कल 30.45 की क्लोजिंग के साथ डेली चार्ट पे एक टिपिकल फ्लैग है, और उसके फ्लैग के ब्रेकआउट का इसने संकेत कल दे दिया है। याद रखिए, फ्लैग जो पैटर्न होती है ना, ये एक बहुत एग्रेसिव पैटर्न होती है। यहाँ पर जब टारगेट्स निकल के आते हैं वो बहुत जल्दी अचीव होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, 19 से लेकर 30 तक का 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन में इसने मूव दिया, और ठीक है, जब फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा है 30.45 के ऊपर 10 रुपए का मूव, यानी 40 तक का मूव, यानी करीब करीब 40-50 तक का मूव बहुत एग्रेसिव, बहुत जल्दी से आ सकता है। कल 52% डिलीवरी वॉल्यूम्स थे, और साथ ही साथ कल के जो वॉल्यूम्स थे वो पिछले 6-7 सेशन के, यानी एक बड़ा मूव देने के बाद, 19 से लेकर 30 तक का मूव देने के बाद स्टॉक ने अपने आप को एक कंसोलिडेशन के जोन में रखा। कंसोलिडेशन के जोन में अमूमन वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं, लेकिन फिर जब उस जोन से बाहर निकलने की तैयारी करता है तो वॉल्यूम्स के साथ निकलता है। तो कल इसने सिग्नल दिए, याद रखिए, पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से भी, डेली प्रोस्पेक्टिव से भी काम करके देखिएगा इस पर। मैं ये देखिए, सारे एवरेजेस के ऊपर है, मंथली पे, डेली पर, 40 तक चाहे आप वीकली पर देख लिए, मंथली पर देखिए, कोई सप्लाई जोन नहीं है, एक कंफर्ट राइड आ सकती है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय है, मैं 40 का अगर आप देखिए नजरिए लेके चल रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉसेस क्या है, हार्डली 37 रुपये, 3 रुपये वैल्यूएट रिस्क कमाने के लिए 10 रुपये, ये मैंने तय कर लिया। मैं आपको एक चीज़ शुरू में भी कह रहा था, याद रखिएगा, जो चीज़ चल रही है वो चल रही है, और जो चीज़ नहीं चल रही वो नहीं चल रही है। बाजार कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एस्कॉर्ट्स में क्या हुआ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में क्या हुआ, यही हुआ। अब थोड़ा सा फंडामेंटल नजरिया देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो Q4 चौथी तिमाही गई उसमें कंपनी 16 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 12 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई। सबसे बड़ा चेंज, तो सब्सटेंशियल चेंज ये था कि Q3 से Q4 में आते आते हुए इनके ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें, करीब 9% से बढ़कर करीब करीब 14%। और एक और चीज़ है, यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है कंपनी में बढ़ाया है, तो नज़र रखिएगा आप हिमाद्री केमिकल्स पे। आई थिंक एक अच्छा स्विंग यहाँ पर इंतजार कर रहा है, एग्रेसिव स्विंग इंतजार कर रहा है। तो हिमाद्री केमिकल आज का टुडे ट्रेड, कल 4.5% चला, आज ही परफॉर्म कर सकते हैं, नजर रखकर चले। टीएस हरिहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरी, गुड मॉर्निंग। पहले तो इंडेक्स पर ही आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेंगे, निफ्टी खरीदना चाहेंगे, अवॉइड करेंगे, और साथ ही अभी क्योंकि हिमाद्री केमिकल की बात की है वीरेन ने, केमिकल सेक्टर हुआ, लॉजिस्टिक सेक्टर हुआ, ये कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर जो बीते कुछ सत्रों से लगातार या फिर कहें कुछ महीनों से कंसिस्टेंटली मूव में है, आपकी बायस क्या रहेगा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आज के सेशन के लिए? देखिए, पहली बात तो निफ्टी की करें तो हमारा व्यू है कि निफ्टी पे अगले एक हफ्ते में, यू नो, इवन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपायरी काफ़ी हद तक वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट्स देखिए, आप यूरोप देखिए, US देखिए, वॉलेटिलिटी और करेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि दैट वॉलेटिलिटी विल गेट पास्ड ऑन द इंडियन मार्केट्स ऑल्सो। तो हमारा एक स्ट्रैटेजी है स्ट्रैंगल, जहाँ हम 8100 कॉल और 8000 पुट जुलाई सीरीज में खरीदने की सलाह दे रहे हैं। यू नो, यू हैव टू लुक एट द प्रीमियम्स वंस द मार्केट ओपन्स, बट हमारा मानना है कि ये स्ट्रेटेजी में डेफिनेटली आपका पैसा बन सकता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू राइज सब्सटेंशियली इन द नेक्स्ट मंथ। जहां तक आपका सवाल है स्पेसिफिक सेक्टर्स का, हमारा अप्रोच है कि ये जो ब्रेक्सिट वगैरह की भागदौड़ चल रही है, इससे दूर रहिए और आप फोकस कीजिए 4-5 ऐसे सेक्टर्स पे जहां पे एक इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पैकेजिंग है जो एक इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी है, डिफेंस है जो एक इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी है, लॉजिस्टिक्स है जो एक इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी है, और लो डेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो भी एक इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी है। तो आपका फोकस ज्यादातर इंडिया स्पेसिफिक स्टोरीज पे रखिए, ये ग्लोबल ब्रेक्सिट वगैरह पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये चलिए, अब जैसे कि आपने कहा लोकल इंडिया बेस्ड स्टोरीज, आपने अभी जो शब्द का इस्तेमाल किया हरी, लो डेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, आई थिंक मैं ये एक नया वॉइस सुन रहा हूँ आपके मुंह से आज, इनमें से आप क्या क्या पिक कर रहे हैं इस सेक्टर में से, छोटी मोटी कंपनियां जो कि आपको लगता है कि हाँ इस वक्त एंटर करने लायक हैं?
देखिए, जहां तक मैंने लो डेट का जिक्र किया, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जिनके पास डेट की लेगेसी है, जैसे आप जीएमआर लीजिए, जीवीके लीजिए, आई थिंक ये चाहे जितना भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो, देयर परफॉर्मेंस विल बी पुल डाउन बाय द डेट। तो लो डेट वाले कौन से हैं? लाइक हमारा फेवरेट है आईआरबी इंफ्रा। देखिए, आईआरबी इंफ्रा एक ऐसी कंपनी है जो 200-205 के आसपास कोट कर रहा है, पर जब ये जो रोड्स प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा आईआरबी को मिलने वाला है। और हमने देखा है कि जो गडकरी साहब ने कहा, यू नो, डेली जो रोड्स की टारगेट है, दैट इज बीइंग टेकन अप टू 25 किलोमीटर एंड लेटर टू 41 किलोमीटर, तो इससे एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक इजाफा मिलेगा आईआरबी को। और इनका बैलेंस शीट काफी क्लीन है, इनका डेट लो है, इनके मार्जिन काफी अच्छे हैं, और दे आर फोकसिंग मोर ऑन एक्सप्रेसवेज एंड टोलवेज। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमें लगता है कि विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सुब्रा, एक साइड पर आपकी राय क्या है? कल 170 तक के हाई इसने टच किए थे, वापस 167 के लेवल पर आकर ये क्लोज हुआ, फ्रेश 52 वीक हाई टच किए, और एक कंसिस्टेंट मूवर रहा है, चाहे बीते कुछ सेशंस का एक्शन देखें या बीते कुछ मंथ्स का। आज खबरों में भी है कि कंपनी के अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है और अगले साल कैपेसिटी एक्सपेंशन पर 1400 करोड़ का निवेश कंपनी करेगी, और कंपनी ऑटोमेशन पर निवेश करने का प्लान कर रही है। और हाल ही में कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई भी हैं, मैं एक साइड की नहीं बात करी, पूरे ऑटो इंडस्ट्री पैक की बात करी, जिनका मानना है कि ब्रेग्जिट का कोई खास इंपैक्ट ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। तो एक साइड इस पर्सपेक्टिव से आपको कैसा लग रहा है 167 के लेवल्स पर हाल ही के मूव के बाद? अभी बोले आश्वासन की बात है कि बहुत दिन के बाद यहाँ पर अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडली अगर आप देखें तो एक साइड में कंट्रो परफॉर्मेंस देखें, लेकिन जहाँ पर मार्केट में नर्वसनेस थी उस माहौल में इसने अच्छे परफॉर्मेंस की, ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर नियर टर्म बात करें तो शायद 175 यहाँ तक जाने की संभावना है, वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस है, लेकिन न्यूज ट्रिगर जो इतनी पॉजिटिव है, मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं जुलाई सीरीज में इसका भी पार करके निकल जाए, तो डेफिनेटली एक नियर टर्म एक 175 का टारगेट पकड़ के यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन जिनको इन्वेस्टमेंट निवेश है, आई थिंक एक्युमुलेशन का भी सारा ले सकता है, जो भी पॉजिटिव फिगर आएगा यहाँ पर 190-200 वहां तक जाने की क्षमता रखती है। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, जिसके बाद थोड़ा समय बड़ी कुछ खबरों पे फोकस करूंगा। एक ऑटो स्पेस में अगर आप देखें, कल बड़ा अच्छा मूव शायद जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, परसों पुल बैक था M&M में, और कल की प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं आप। देखिए, कल अशोक लेन अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर आने का, कल अटेम्प्ट कर रहा था मारुति ऊपर आने का, कल अटेम्प्ट कर रहा था M&M ऊपर आने का। M&M ने याद रखिए एक बहुत बड़ा अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क लगा दिया बॉस के अगले 15 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अभी एक बार फिर से 1400 के नज़दीक है। सो ब्रो, आई थिंक इस वक्त 100 में से लगभग 98 ट्रेडर्स M&M पे तुले हुए हैं। ये रिस्क भी बढ़ा देता है, लेकिन रिवॉर्ड की अपेक्षाएं पहले से इसमें काफ़ी अच्छी खासी हैं। M&M को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? यहाँ पर आई थिंक वीरेंद्र, मैं थोड़ा कॉशियस एडवाइस करूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन के लेवल पे आया था अभी आई थिंक 8-10 दिन के पहले, वहाँ से हमने बाउंस बैक देखी है। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए, आई थिंक 1350 यहाँ तक अगर मिले तो आई थिंक डेफिनेटली अभी चांसेस हाई लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एस्कॉर्ट्स की भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखी, आई थिंक उस ऐसे ही अगर आप देखें तो आई थिंक यहाँ पर M&M की उम्मीद कर सकते हैं। तो जहाँ पर जुला सीरीज का सवाल, आई थिंक 1450 वहां तक जाने की पोटेंशियल रखती है, तो डेफिनेटली 1350 के लिए मैं वेट करूंगा। करंट लेवल पे प्रॉब्ली आई विल जस्ट वेट एंड वॉच। जी, इसके अलावा भारती इंफ्राटेल यहां भी आप नजर रखें, 12 जुलाई से 22 जुलाई के 25 जुलाई के बीच में कंपनी का बायबैक ओपन होगा। हाँ, और खबर हालांकि पहले आई थी, लेकिन इस खबर के आने के बावजूद भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन स्टॉक में हमने देखा नहीं। 327 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 5.25 करोड़ शेयर बायबैक के तहत कंपनी खरीदेगी, और बायबैक प्राइस जो है वो मौजूदा प्राइस से काफी प्रीमियम पर है, 425 प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक होगा। लेकिन हरी, आपकी राय क्या है भारती इंफ्राटेल पर? बीते साल पूरे टेलीकॉम स्पेस में अगर कोई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था या फिर एक स्टॉक जिसने अच्छे रिटर्न्स दिए वो था भारती इंफ्राटेल, लेकिन आप देखें कि अब काफी कई महीनों से कंसिस्टेंट ये स्टॉक वीक है, तो क्या जो ड्रीम रन स्टॉक में हमें दिखा था या फिर जो एक एज जिसको पूरे टेलीकॉम स्पेस में एनालिस्ट के बीच में मिलता था वो ओवर हो चुका है? देखिए, जहाँ तक टेलीकॉम स्पेस का सवाल है दीपाली, हमारा मानना है कि एक बहुत सटल ट्रेंड शिफ्ट हुआ है पिछले एक साल में। ये जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया टेलीकॉम सर्विस कंपनी से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे। तो यू नो, इफ यू आस्क मी मेरा पिक क्या होगा, डेफिनेटली इट विल नॉट बी भारती एयरटेल और इट विल नॉट बी आइडिया।
मेरा पिक रहेगा जो टेलीकॉम इंफ्रा पे फोकस करते, जैसे आरकॉम है, भारतीय इंफ्राटेल है, और मैं मानता हूँ ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, तो डेफिनेटली आप अगले 3 साल की पर्सपेक्टिव लोगे तो मुझे अभी भी इंफ्राटेल अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, बट आई थिंक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी इंफ्रा बहुत अच्छा लग रहा है।